हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड पॉलिटेक्निक सिलेबस फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं, जो उनको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और अगर आप उत्तराखंड पॉलिटेक्निक में हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, क्योंकि इसमें हम आपका जो सिलेबस है वो यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, तो स्टूडेंट, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि UBTR में, यानी उत्तराखंड प्रावधानिक शिक्षा परिषद का जो सिलेबस है थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, उसमें देखिए आपके कितने यहाँ पर सब्जेक्ट हैं। फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल और इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप प्रैक्टिस। ये आपके स्टूडेंट्स यहाँ पर पांच आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। ये इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो स्टूडेंट, जो आप अब जो हैं, जो स्टूडेंट थर्ड सेम में गए हैं या जो स्टूडेंट लेटरल से हैं, अब वो सोच रहे हैं हम कैसे डाउनलोड करें, तो स्टूडेंट सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउज़र पर IRDT सिलेबस सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे स्टूडेंट, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ IRDT और सिलेबस, ये आपको सर्च करना है। अपने क्रोम ब्राउज़र पर सर्च कर लेंगे स्टूडेंट, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। आप अपने क्रोम ब्राउज़र पर ये डाल दें IRDT सिलेबस। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपने इस तरीके से क्रोम ब्राउज़र अपना ओपन कर लिया है। अब आपको ई सिलेबस, इस पर क्लिक करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए आपके सामने किस तरीके से पेज ओपन हो गया। आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्सेज पर यहाँ पर क्लिक करना है और अपनी ब्रांच को आप यहाँ पर सर्च करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के यहाँ पर आप देखिए सेमेस्टर ओपन हो गए हैं। अगर थर्ड सेम में आप जाएंगे, थर्ड सेम पर आपने यहाँ पर क्लिक किया स्टूडेंट, आप थर्ड सेम पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ये सब्जेक्ट देख सकते हैं, जो पांचों सब्जेक्ट हैं। आप इनका जो सिलेबस है वो यहाँ पर अंदर जो है वो खोल कर भी आप सेपरेटली देख सकते हैं। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला है फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। तो दोनों में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के और सिविल इंजीनियरिंग के आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर पढ़ने हैं, वो आप अंदर से यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पर दूसरा जो आपका सब्जेक्ट है, पहला तो आपका फंडामेंटल है मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग, दूसरा इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें ये देखिए आपके पांच यूनिट हैं इस सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर आप देखिए ट्रांसड्यूसर आपको यहाँ पर पढ़ने हैं पहले चैप्टर में, दूसरे में एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर क्या है, एनर्जी मीटर क्या है, ये पढ़ने हैं। और फिर आपको देखिए स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आप यहाँ पर पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर, स्ट्रेन गेज यहाँ पर आप पढ़ेंगे, फोर्स प्रेशर मेजरमेंट आप यहाँ पर पढ़ेंगे, फ्लो को कैसे मेज़र किया जाता है ये आप पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ये आप पढ़ेंगे यहाँ पर। फिर आपका जो फिफ्थ यहाँ पर चैप्टर है मिसलेनियस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी मिसलेनियस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहाँ पर। और जो पांचवी आपकी यूनिट है वो है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें आपको CRO यानी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप पढ़ना है, उसका ब्लॉक डायग्राम पढ़ना है, ये सब आपको स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ना है। इंपॉर्टेंट देखिए सब्जेक्ट हैं ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आप इसको कहेंगे। फिर आप देखिए नेक्स्ट यहाँ पर सब्जेक्ट चेक करें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट, इसमें देखिए आपके स्टूडेंट यहाँ पर कितने यहाँ पर चैप्टर हैं, पांच यहाँ पर चैप्टर हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर पहला चैप्टर, आप यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं, इसमें आपको सेमीकंडक्टर पढ़ना है, दूसरा आपका सेमीकंडक्टर डायोड है, फिर बायोपोलर जंक्शन डायोड है, फिर आपका ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर है, फिर आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, ये आपको पढ़ने हैं यहाँ पर स्टूडेंट। अब तीन सब्जेक्ट आपके हो गए। अब चौथा जो सब्जेक्ट है ये इम्पॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट होने वाला है, जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल, यानी मटेरियल के बारे में स्टूडेंट आपको यहाँ पर पढ़ना है। यहाँ पर भी छः आपके यूनिट हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स है, फिर यहाँ पर आपका कंडक्टिंग मटेरियल, आपको इन मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ना है। फिर आपका यूनिट जो थर्ड है, इसमें आपको सेमी कंडक्टिंग मटेरियल के बारे में पढ़ना होगा। यूनिट फोर में आपको इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में पढ़ना है। यूनिट फाइव में आपको यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट जो मिसलेनियस मटेरियल हैं उनके बारे में पढ़ना है, प्लास्टिक, माइका, एस्बेस्टस, सेरामिक मटेरियल, ग्लास एंड ग्लास प्रोडक्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, यानी ये मटेरियल के बारे में ही आपने इंपॉर्टेंट इसमें पढ़ना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है क्योंकि थ्योरेटिकल यहाँ पर स्टूडेंट आपका सब्जेक्ट हो जाता है ये। अब यहाँ पर आप देखिए जो लास्ट यहाँ पर आपका सब्जेक्ट बचा थर्ड सेमेस्टर में, वो आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप प्रैक्टिस। ये वर्कशॉप प्रैक्टिस का आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है। इसमें आपको देखिए डिटेल कंटेंट हम यहाँ देखते हैं, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मेजर आपको पढ़ने हैं, टाइप ऑफ वायरिंग, स्टडी ऑफ ISI स्टैंडर्ड ऑफ MCB आपको पढ़ना है, मिनीचर सर्किट ब्रेकर, वायरिंग ऑफ मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड,
ये सब आपको देखिए प्रैक्टिकल आपका एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। तो इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ पर मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिए स्टूडेंट। तो आप इस वीडियो को देखिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें। और स्टूडेंट देखिए उत्तराखंड पॉलिटेक्निक से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए, जब आपके एग्ज़ाम होंगे, कब आपके सेशनल्स होंगे, कब आपके कॉलेजेस खुलेंगे, इसके लिए सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, इसी प्रकार से वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए। आप हमें देखिए स्टूडेंट, आप हमें देखिए कहाँ कहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। आप हमें त्रिशक्ति अकेडमी जो है, आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इस आईडी से ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो आप इस वीडियो के लास्ट में कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स।